नमस्कार, मैं खुशबू परियानी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का खास कार्यक्रम नागपुर इन्फ्लुएंसर्स। आज हमारे साथ मौजूद है टंग्स एंड सीजर्स के फूड ब्लॉगर नेहा राहटे जी। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। पहले तो स्वागत है आपका महाराष्ट्र टीवी 24 में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पहले तो हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। हाय, मेरा नाम है नेहा राहटे, मैं नागपुर की फर्स्ट फूड ब्लॉगर हूँ एंड अभी 8 साल हो गए हैं। आई एम टोटली एंजॉयिंग द प्रोसेस। मतलब आप फर्स्ट फूड ब्लॉगर है, आपने कब से अपनी ये जो फूड ब्लॉगिंग की जर्नी है ये कब से शुरू की थी? 2015 में स्टार्ट की। ये ऐसी पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करते हुए हमने स्टार्ट किया एंड देन लोगों को पसंद आया। नागपुर ने ही मुझे फूड ब्लॉगर बनाया है क्योंकि नागपुर के लोगों को वो सजेशंस, जेन्युइन रिव्यूज अच्छे लगते थे, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया है। अच्छा, अगर हम आपके स्टडीज की बात करते हैं, लाइक फूड ब्लॉगिंग इज तो साइड वाला काम, बट इसके अलावा आपकी स्टडीज क्या हुई है, क्या बताना चाहिए? यस, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। मैंने MBBS किया है अपना लता मंगेशकर कॉलेज से एंड उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है डर्मेटोलॉजी में। तो मैं अभी भी प्रैक्टिसिंग हूँ। सुबह मैं अपना काम करती हूँ, शाम को दोपहर के टाइम में अपना ब्लॉगिंग का काम करती हूँ थोड़ा। मतलब आप डॉक्टर की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें मतलब इक्वली हैंडल हो जाती है आपसे? ब्लॉगिंग थोड़ा शौक का काम है, हफ्ते में 1-2 दिन का रहता है, मेरी टीम भी है, बहुत अच्छे से सब मैनेज करते हैं, तो इट्स डूएबल। अच्छा, जब आपने आप तो वैसे डॉक्टर की स्टडीज कर रहे थे, MBBS कर रहे थे, उसके बीच में ही आपने ये ब्लॉगिंग शुरू की, राइट? 2015 से आप ब्लॉगिंग करते आ रहे हैं और नागपुर की फर्स्ट ब्लॉगर आपको बोला जाता है और काफी चीजें भी आपने देखी है नागपुर में, है ना? तो क्या बताना चाहोगे कि वो जो 2015 से लेकर 2024 चल रहा है, क्या चेंजेस आपने नागपुर के फूड में देखा है, या जो आप प्रमोशन कोई कंपनीज के लिए प्रमोटिव एक्टिविटीज करते हो, तो उसके लिए क्या बताना चाहेंगे, क्या चेंजेस आपने देखे हैं अब तक? तो 8 साल में तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखे, नागपुर का फूड सीन देखा है किस तरह डेवलप हो रहा है डे बाय डे। सो आई थिंक द बेस्ट सजेशन इज कि फूड प्लेस बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। मुझे पसंद आए तो दूसरों को मे बी स्पाइस लेवल अच्छा नहीं लगे, कुछ पसंद ना आए। तो मेन इसमें सबसे ज़रूरी रहता है कंसिस्टेंसी। जो फूड प्लेसेस है अगर वो अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करे प्रॉपरली तो ही उनका नाम रहता है, अदरवाइज दिस अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करे फूड प्लेसेस क्लोज डाउन। तो आई हैव सीन सो मेनी ट्रेंड्स इतने सालों में, नए नए चीजें आए, मोमोज आए, वॉफल्स आए, बीच में फ्री शेक्स आए, दे वर लोडेड विद व्हिप्ड क्रीम एंड एवरीथिंग, चॉकलेट सिरप ऐसे। तो कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करे फूड प्लेस तो वो काफी चलते हैं एंड इट्स बेनिफिशियल। मतलब अब जैसे आप डॉक्टर कर रहे थे, डॉक्टर जो साइंस से रिलेटेड है, और अगर हम फूड ब्लॉगिंग की बात करें तो ये एक एकदम आर्ट जैसा काम है जो हर किसी में यूजुअली नहीं होता है। तो क्या बताना चाहेंगे, क्या सोच के आपने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और आज किस प्लेटफॉर्म पे आप हैं? तो हमेशा से मेरे अंदर एक आर्टिस्ट था, तो मुझे आर्ट और ऐसे क्रिएटिव चीज़ें बहुत पसंद थी, तो फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था एंड फूड तो पसंद था ही, तो दो चीज़ें जो मुझे पसंद है मैंने कंबाइन की, फूड और फोटोग्राफी, एंड दैट्स हाउ ब्लॉगिंग स्टार्टेड फॉर मी। अगर हम इसके कंटेन की बात करते हैं, इसकी जर्नी आपकी बहुत बड़ी थी 2015 से 24 तक, तो इतना सारा कंटेन आप क्रिएट कैसे करते थे? लाइक आपके पीछे किसका सपोर्ट था कि आपको बताता हो, आपको थोड़ा सा पुश करता हो इन सब चीजों में, क्या कौन था आपके लिए सपोर्टिव पार्टनर? सपोर्टिव तो हमेशा से फैमिली रही है, फ्रेंड्स फैमिली वो बहुत सब ने सपोर्ट किया है। इनिशियली तो मैं फोन से ही शूट करती थी क्योंकि वो रिलेटेबल था कॉन्टेंट बहुत, तो उसके बाद DSLR वगैरह भी लिया, बट आई रियलाइज कि आईफोन वर्क्स बेस्ट, उसका जो क्वालिटी है इट वर्क्स रियली गुड फॉर इंस्टाग्राम, एंड फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, सब फ्रेंड्स ने भी किया। लाइक जब मुझे स्टार्टिंग में कोलैब्स आते थे, जब मेरी टीम नहीं थी तो मेरे फ्रेंड्स ही आते थे साथ में, और अभी भी मेरे फ्रेंड्स जब भी नागपुर में रहते हैं बोलते हैं हमें भी लेके चलो। तो आई थिंक सबको बहुत पसंद आता था, इट्स अ वेरी फन आइडिया। तो
एंजॉयमेंट जैसा है ये। अच्छा, जब आपने शुरू किया था तो तब आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, मतलब क्या आपने उनको बता के शुरू किया था? क्योंकि फैमिली हमेशा रहती है कि नहीं, एक तो बेटी डॉक्टर बन रही है, उसके बाद दूसरे साइड पे वो फूड ब्लॉगिंग कर रही है, तो उसमें कुछ ऐसा डिफरेंस आया था या फैमिली के इससे आपको क्या रिएक्शन क्या था जब उन्होंने ये देखा होगा या सुना होगा कहीं से? व्हेन आई स्टार्टेड फूड ब्लॉगिंग, मैंने किसी को नहीं बताया था, मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को तक नहीं बताया था कि आई एम डूइंग दिस। इनफैक्ट जब पेज थोड़ा चलने लगा 2-3 महीने में, मेरे कॉलेज के लोग आके बोले नेहा एक पेज है बहुत अच्छा, यू शुड फॉलो इट, तेरे टाइप का पेज है। एंड फैमिली को तो बाहर से पता चला, जब बाहर के लोग खुद से आके बोलते कि नेहा का पेज बहुत अच्छा है, तब उनको पता चला। एंड उनका उतना ऑब्जेक्शन नहीं था क्योंकि मैंने अपना जो मेडिकल फील्ड है उसमें अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की, मैंने कोई भी ऐसे कोर्स छोड़ा नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैं अपने जो कर्तव्य है लाइफ के वो सब मैंने निभा के फिर ब्लॉगिंग की। तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो वेरी सपोर्टिव, उनको भी मजा आता है जब घर पे अच्छा पार्सल आता है, कुछ हैम्पर्स आते हैं, तो वो भी सब साथ में बैठ के भी ओपन दोज हैम्पर्स एंड एंजॉय। तो दे आर आल्सो, आई थिंक इफ मतलब इफ आई एम अ फूड ब्लॉगर इट्स बिकॉज ऑफ माय फैमिली, क्योंकि पूरे सबका सपोर्ट जब रहता है तो ही आप बन पाते हैं। मतलब फैमिली का तो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट था। बट काफी बार ऐसा होता है ना कि जेलेसी आती है, लाइक अगर जिनके साथ आप रह रहे हैं एक एटमॉस्फेयर है, और वहां पे भी ऐसा होता है कभी-कभी अपने फ्रेंड्स ही अपने आप से जेलस होते हैं, तो उसमें कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके दोस्त जो आपके साथ बैठ रहे हैं वही आपके पीछे बोलते हैं यार ये तो डॉक्टर होके फूड ब्लॉगिंग कर रही है, या कुछ भी ऐसा? अब तो लोग तो बोलेंगे, उनको जो बोलना है, तो मतलब इफ यू आर आउट देयर इन पब्लिक यू हैव टू बी वेरी थिक स्किन, मतलब फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आज भी अगर इफ आई हियर एनीवन सेइंग लाइक, बिकॉज रिलेटिव्स एंड ऑल जो ओल्डर जनरेशन है दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज, बट उनको पता है कि कुछ रेस्टोरेंट का कुछ करती है, आधों को लगता है इसके रेस्टोरेंट है नागपुर में। तो द थिंग इज कि हम सबको समझाते हुए तो नहीं बैठ सकते, तो आई एम वेरी थिक स्किन, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, वो एक मेंटल स्टेट तक अभी पहुंच गए है। बट एक टाइम फिर भी आता है कि अपने को लगता है जो हमारे साथ है एटलीस्ट वो तो भी हमारे बारे में ऐसा ना बोले, मतलब फिर वो एक इंसान होता है ना कि वो अलग जोन में चला जाता है। वो फेस से मैं निकल चुकी हूँ, अब मुझे कोई ना वो फेस एक टाइम पे आपके साथ आया होगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो जाती थी कि यू नो आई रियलाइज इवेंचुअली इन लाइफ कि सब अच्छा नहीं बोलेंगे, सब सपोर्ट नहीं करेंगे, तो दैट्स व्हाई पहले मैं कॉन्शियस होती थी बहुत, अगर कोई शूट करे हो कोई पहचान का दिख जाए, बट नाउ आई एम लाइक जस्ट इन माय थिंग कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइस, ये बात बहुत अच्छी है कि कोई एक्चुअल में फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब इंसान अच्छा करता है ना तो काफी लोग रहते हैं जो पीछे धकलने के लिए आते हैं, बट सामने पुश करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं हमारी लाइफ में। तो अब जब आपने वीडियोस बनाना शुरू किए, जब आपको फेम मिलने लगा, तो ऐसा कौन सा कोई ऐसा एक पर्टिकुलर वीडियो था जिसपे आपके सबसे ज्यादा व्यूज आए होंगे, और आप सुबह उठे होंगे और आपको ऐसा दिखा कि एकदम से एक दिन में 1 मिलियन व्यूज, या एकदम से एक्सटेंड हुआ, या धीरे धीरे करके ये प्रोसेस बढ़ी, क्या बताना चाहोगे? धीरे धीरे हुआ, आई थिंक इट वॉज नॉट ओवरनाइट फेम फॉर मी, इट वॉज वेरी इवेंचुअल, धीरे धीरे, मतलब आई थिंक समहाउ मेरे नागपुर के लोग जो क्राउड था वो फेसबुक से इंस्टा में पुल किया कि ऐसा है इधर आओ। हाँ, तो इवेंचुअली था, बट एक मेरा शूट था टीवी पे ही था, वो हाईवे ऑन माय प्लेट का, रॉकी एंड मयूर का, वो जब नागपुर आए थे दे टेक्स्टेड मी कि यू नो लेट्स डू अ शूट फॉर नागपुर स्पेशल सावजी फूड, तो मैंने उनके साथ एक टीवी शूट किया था, वो जब लाइव हुआ NDTV गुड टाइम्स पे, तो तब बहुत एक क्रेजी नंबर ऑफ फॉलोअर्स आ गए थे, एंड पीपल कौन है ये ऐसे, तो तब एक बस क्रिएट हुआ था सिटी में थोड़ा। तो ये जो आपने अभी बताया NDTV गुड टाइम्स पे आपका एक शो आया था हाईवे ऑन स्टेज, तो ये कब आया था? ये आई थिंक 2018 या 2019 में आया था, इट वॉज वेरी लॉन्ग बैक। अच्छा, हाँ। और आपका तब था कि आपका नाम आपने कभी नहीं बताया था जब आप व्लॉगिंग करते थे, तो हम लोगों ने देखा 3-5 साल तक आपका नाम कभी आया ही नहीं, नेहा राठे है कौन, और उसके बाद एकदम से आपने अपना नाम का भी थोड़ा सा प्रमोशन करने लगे, तो उस समय आपने ऐसा क्यों, अपने नाम को एक्सपोज क्यों नहीं किया था और अपने फेस को एक्सपोज क्यों नहीं किया था? तो मैं हमेशा से रोट अंडर अ पेन नेम ऑफ टंग एंड सीजर्स, मैंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी, एंड माई होल आइडिया वॉज कि अगर आइडेंटिटी पता ही नहीं है तो मैं बहुत एक नॉन जजमेंटल वे में, अनबायस्ड वे में अपने ओपिनियन रख सकती हूँ, दैट वाज माय ओनली मोटिव बिहाइंड इट, एंड इट वर्क्ड आल्सो वेरी वेल, क्योंकि अगर आप नोन हो तो आइदर यू हैव टू स्पीक वेरी गुड अबाउट समवन और यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग बैड अबाउट एनीवन, राइट? तो बहुत ही फिर
पॉलिटिकली करेक्ट हमेशा रहना पड़ता है. तो फिर देन आई डिसाइडेड कि यू नो देयर वाज अ वेव ऑफ ब्लॉगर्स, एक 2018 के अराउंड वेव ऑफ ब्लॉगर्स, बहुत सारे न्यू ब्लॉगर्स आ रहे थे. एंड आई रियलाइज कि पीपल कनेक्ट मोर इफ यू शो द फेस. फिर लोगों को लगता है कि हाँ ये हम जैसी ही कोई है एंड शी इज टेलिंग अस टू गो सम प्लेस, तो हम जाएंगे. तो मतलब अभी भी ऐसा होता है कि इफ आई पोस्ट अबाउट सम गुड प्लेस तो कई बार वो सोल्ड आउट हो जाते हैं या वो उनके पास पूरी बुकिंग्स हो जाती है. सो दे टेल मी कि रील डाल दी, अभी स्टोरीज मत डालो 2 महीने के लिए, हम पूरा बुक हो गए 2 महीने के लिए. या वैसे रिएक्शंस रहते हैं यूजुअली ब्रांड्स के कि अभी दिवाली तक प्लीज हमारे फार्म हाउस का पोस्ट मत करो, हो गया हमारे सब बुकिंग्स हो गए हैं. तो आइडिया ना इसकी फेस से एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है लोगों का. तो मैं भी धीरे धीरे, मैं आई वॉज वेरी कैमरा शाय अर्लियर, मैं कैसे तभी हिम्मत करके रियलाइज की क्या ही करेंगे लोग, जज ही करेंगे और क्या. मतलब आप एक पहली ब्लॉगर है नागपुर की, नागपुर के अलावा काफी सिटीज में भी आपने अपना काम किया है, काफी ब्रांड का प्रमोशन किया है. तो नागपुर में जब आपने ऐसा सोचा कि आपको अब अपना फेस रिवील करना चाहिए, तब तक काफी सारे ब्लॉगर्स आ चुके थे नागपुर में, है ना, और अभी भी ब्लॉगर्स की कंपटीशन बहुत है. तो वो जो काम का रहता है कि काम आता कैसे है आखिर, लाइक आप लोगों को जाना पड़ता है या खुद से ही सामने से आप लोगों को आता है ऑफर? यूजुअली सामने से ही आता है बिकॉज ब्रांड्स आल्सो नो द वैल्यू ऑफ इन्फ्लुएंसर्स व्हाट दे हैव. क्योंकि अगर वी पोस्ट वन रील या एक स्टोरी भी करे तो काफी लोगों को, एक लार्ज मासेस को पता चलता है कि ऐसी एक न्यू जगह है, तो वो वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छा होता है. लाइक इवन इफ दे पे अ स्मॉल अमाउंट फॉर प्रमोशंस टू अस, उनको उसके बदले 10x 20x कई बार रिटर्न में मनी मिलता है. बिकॉज उनका जो इनकम होता है उनसे एडवर्टाइजमेंट से, तो दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट फॉर देम. तो दैट इज द रीजन कोई भी नया ब्रांड आता है नागपुर में या कोई भी न्यू रेस्टोरेंट खुलता है, कैफे खुलता है, फर्स्ट दे कॉन्टैक्ट अस कि ऐसा ऐसा है हमारा. तो वी ऑल्सो टेल देम यू नो टेक सम टाइम एंड सेटल डाउन, पहले आपका बेस्ट कर लो, बिकॉज वंस वी पोस्ट फिर स्वॉर्म ऑफ पीपल आएंगे और तब आपको हैंडल करना आना चाहिए उनको. मतलब इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर हम लोगों ने एक बार पोस्ट कर लिया तो 100% वो ब्रांड के पास लोग जाने ही है. इट्स लाइक अ टू वे सिस्टम. वो ब्रांड को भी अच्छे से होना चाहिए रेडी फॉर इट, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी सिलेक्टिव. लाइक अगर मुझे दिन के 10 कोलैब आएंगे तो आई सिलेक्ट कि विच वन शुड आई प्रमोट एंड वर्क विद एन एसोसिएट, ताकि उनका भी फायदा हो. तो अगर 10 कोलैब या 8 से 10 तो डेली आते हैं, तो उसमें से आई सिलेक्ट 1 or 2 ओनली. समटाइम्स आई डोंट सिलेक्ट, आई पोलाइटली से कि यू नो वी लेट यू नो सून करके. ओके, मतलब बहुत ज्यादा हैवी चीज है कि नहीं मैं नहीं सिलेक्ट कर सकते अगर आप छोटे. नहीं छोटे नहीं, ऐसे नहीं, छोटा नहीं बोलेंगे इसको, बट इफ आई सी कि उनका और मेरा ऑडियंस सेम है कि नहीं, दैट फिर मैं भी. ओके, हाँ, ऑडियंस की जैसे बात आई तो क्या बताना चाहेंगे, आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे मतलब क्या अट्रैक्ट करती है लोगों में? तो हमारा जो ऑडियंस है वो नागपुर का पूरा अच्छा गुड पेइंग मैच्योर ऑडियंस है, काफी शौकीन ऑडियंस है. आई शुड से लाइक अ बिग थैंक यू टू माय ऑडियंस, उनके वजह से मैं आज यहाँ हूँ. वेरी गुड ऑडियंस, मतलब कुछ शॉपिंग का पोस्ट करो तो उधर चले जाएंगे. एंड बहुत ही दिलदार ऑडियंस है मेरा, लाइक दे लव टू गो टू न्यू प्लेसेस, शॉप, कोई भी न्यू रिसोर्ट का डालू तो अच्छे से जाएंगे. एंड आई थिंक दे ट्रस्ट मी ऑल्सो. तो मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अच्छी चीज ही पोस्ट करूँ, ताकि उनका मनी इज वैल्यूड फॉर इट. तो बहुत अच्छा ऑडियंस है, आई एम तो वेरी हैप्पी विद देम नागपुर का. बट काफी सारी बार ऐसा होता है कि कोई एकदम नया नया ब्रांड आता है और वो अपना प्रमोशन करवाना चाहता है, बट एज वो नया है तो यूजुअली हम लोग उस पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. तो उस समय आप क्या बताना चाहोगे कि आप उसको कैसे वे में लेते हो? सी इट्स नागपुर बहुत बड़ा शहर नहीं है, सब सोशल सर्कल्स आर वेरी वेल कनेक्टेड, सब सबको जानते हैं यहाँ पे सर्टेन लेवल पे. तो हम हमारा बैकग्राउंड सर्च कर लेते हैं पहले वो इंसान का पूरा अच्छे से, और ब्रांड क्या है. तो यूजुअली हम ब्रांड ओनर्स से भी जब बात करते हैं, उनका विजन समझते हैं, तो उसमें भी हमको बहुत चीज़ें समझ में आ जाती है. तो शूट में जाने से पहले हम ब्रांड ओनर्स से भी एक बार बात करते हैं कि क्या है आपका ब्रांड, क्या टाइप का फूड रहेगा, कैसे रहेगा, तो दे एक्सप्लेन. तो उसी में आइडिया आ जाती है कि ये कैसा रहेगा आगे. एंड आई थिंक नाउ इट इज एवरी वन हैज अ बजट फॉर मार्केटिंग, सब अपना एक असाइड रखते ही है मार्केटिंग का बजट.
अगर आप जैसे इतने कैफेज घूम चुके हो और इतना कुछ एक्सप्लोर कर चुके हो नागपुर में, अब आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप प्रोफेशनली छोड़ के अगर आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ चिल करने जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी नागपुर की जगह रहेगी जो आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेबल रहेगी? आई नो आपको हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग अच्छा लगता होगा, बट कोई ऐसी स्पेसिफिक एरिया या कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो और आप अपने फ्रेंड्स को वहीं चिल आउट करना प्रेफर करेंगे उनके साथ? यूजुअली मेरे घर पे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि मैं सबको घर पे ही बुलाती हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी डॉग भी है मेरी बहन जैसी, तो उसके साथ भी सबको खेलना रहता है, तो सब घर पे ही आते हैं, मेरे पेरेंट्स खाना बनाते हैं, तो बेस्ट तो वही है। बट ऐसे बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर कॉफी पीना हो तो एक स्पेसिफिक जगह है, यूजुअली वी गो टू ढाबाज नागपुर के बाहर, तो साइलेंट रहते हैं थोड़े, तो यू कैन एंजॉय देयर मोर। अगर हम इस सिचुएशन पे बात करें तो नागपुर में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें फूड ब्लॉगिंग में बहुत इंटरेस्ट है और वो लोग अभी भी फूड ब्लॉगिंग करते हैं बट बहुत छोटे लेवल पे करते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि आखिर अगर उनको भी आपके जितने हाई लेवल पे पहुंचना है तो उनको क्या समझ में आना चाहिए या उनमें क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए? या दिस इज एक्चुअली वेरी क्रिएटिव फील्ड, फूड ब्लॉगिंग इंस्टाग्राम बहुत क्रिएटिव फील्ड है एंड सबका अपना अपना एक अंदाज होता है, खुद का स्टाइल होता है, एंड आई थिंक एवरीवन शुड स्टिक उनका जो स्टाइल है उसके अनुसार लेटेस्ट ट्रेंड्स करते रहना पड़ता है, एंड खुद का जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स है वो नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक प्रिंसिपल्स के नाम पे जब आपने ये शुरू किया था तो आपके क्या प्रिंसिपल्स थे, लाइक आपने क्या सोचा था उस समय? नहीं, मेरा तो पर्सनल था ये, बेसिकली मैंने कभी सोचा नहीं था ब्लॉगिंग या ऐसे सब मैं करूँगी, मैंने तो ऐसी खुद की खुशी के लिए, आज भी अगर मेरे वीक में 3 प्रमोशनल रहे तो 3 आई मेक श्योर मेरे खुद के खुशी के लिए रील्स रहते हैं, तो इट्स फॉर माय ओन हैप्पीनेस दैट आई डू। एंड प्रिंसिपल्स में हमेशा यही रहा है कि ब्रांड्स, नागपुर के ब्रांड्स और नागपुर के लोगों को कनेक्ट करना है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हैं बट लोगों को पता नहीं है, तो वो जो बीच में गैप है जो पहले वाया बैनर्स पोस्टर्स न्यूज़पेपर रहता था, तो उसमें कैसे पूरा एग्जैक्ट दे डोंट नो द डिटेल्स मच, तो वाया दीज रील्स एंड फोटोज लोगों को और डिटेल में पता चलता है। लाइक वी हैव सीन कि नागपुर में आपका ज्यादा दबाव रहता है कि नागपुर की चीजें आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, तो क्या अदर सिटीज में आपने अब तक कितनी सिटीज का एक्सप्लोर कर चुके हैं, और आपका जो इंस्टाग्राम पेज है या आपका जो सोशल मीडिया है उसमें नागपुर के अलावा और कहाँ कहाँ की ऑडियंस आपसे जुड़ती है? सो मेरा पर्सनली तो मेरे पेज पे 100% नागपुर के ही लोग हैं, नागपुर एंड नागपुर के नियर बाय लोग, या फिर जो बाकी सिटीज के भी है वो वही है नागपुर के लोग जो वहां जाके सेटल हुए हैं, जो यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है शहर में, तो मेरा मोटिव तो हमेशा से मेरे शहर को ही टू हाईलाइट द कल्चर ऑफ द सिटी आई रिप्रेजेंट, तो मेरा हमेशा से यही मोटिव रहा है, एंड दैट्स व्हाई मैं बाहर के बहुत कोलैब्स नहीं लेती हूँ, अगर इफ आई एम ट्रैवलिंग 1-2 कोलैब्स आई डू पिकअप अगर कुछ अच्छे आए अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली, बट हमेशा से इट हैज बीन कि यू नो अपने शहर के लोगों को आगे बढ़ाना है, अपने शहर का नाम रोशन करना है, दैट हैज बीन द एम। काफी अच्छी बातचीत आज हम लोगों ने नेहा राहटे जी से की है, इन्होंने अपनी जो पूरी जर्नी थी, लाइक एज अ डॉक्टर ये फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ अपना घर भी संभालते हैं, तो इन सब चीजों को कैसे उन्होंने सब हैंडल किया ये उन्होंने बहुत अच्छा बताया। ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। क्या आपके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपके लिए लाए है जोरदार सर्विस सेंटर, जहां आपके साथ साथ आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का हर स्पेयर पार्ट, इसके साथ ही आपको मिलेगा धमाकेदार ऑफर जो है सिर्फ 699 का पैकेज, जिसमें आपको मिलेगी 3 फ्री सर्विसेज, 1 होम सर्विस और बहुत कुछ। तो अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आ जाइए वेदांत इंटरप्राइजेज सर्विस सेंटर, गाड़ी कहीं की भी हो सर्विस हम देंगे। हमारा पता गड्डी गोदाम स्क्वायर कामठी रोड सदर नागपुर।